हेलो वन आई एम फांकुश मेहता टूडे यू वुड कम टू नो अबाउट अ वेरी यूनिक आंसर ऑफ द टॉपिक डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल पीरियड यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट एक हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बोलना है जिसके बारे में आप और जानना चाहते हो सो ये कट हिस्टोरिकल पीरियड के रिगार्डिंग है इवेंट के रिगार्डिंग नहीं है सो डोंट मिक्स अप द टू यू शुड से ये वाले पॉइंट्स कवर करने हैं वट पीरियड डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट आप कौन से पीरियड के बारे में जानना चाहते हो Why डू यू want टू नो अबाउट इट आप इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो हाउ डू यू थिंक यू कैन नो अबाउट इट आप क्या सोचते हो कैसे इसके बारे में आप और पता लगा सकते हो here we go. Although आई हैव हर्ड अबाउट फ्यू हिस्टोरिकल historical हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वन ऑफ those पीरियड्स which आई want टू नो मोर अबाउट ऑल दो हालाँकि आई हैव हर्ड अबाउट अ फ्यू हिस्टोरिकल एरस मैंने बहुत ही कम हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में सुना है हियर एम गोइंग टू टेल वन ऑफ दैम यहाँ पर मैं आपको उन्हीं में से एक के बारे में बताने जा रहा हूँ विच आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट जिसके बारे में मैं और जानना चाहता हूँ द पीरियड बिंग टॉक्ड अबाउट इज कॉल्ड दिक किंगडम ऑफ पंजाब विच लास्ट इम एटीन जीरो वन टू एटीन थर्टी नाइन जिस पीरियड की बात की जा रही है उसका नाम है द सिख किंगडम ऑफ पंजाब जो कि 1801 से अठारह तक चला इट हैज़ बीन अ मैटर ऑफ लास्ट मंथ वन माई इंटरेस्ट टू नो मोर अबाउट इट ग्रू अलाट ये पिछले महीने की बात है जब इसके रिगार्डिंग और जानने के लिए मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया एक्चुअली अटेंडेड अ पार्टी ऑर्गेनाइज विद इन फ्रॉम मई हाउस वेयर आई ओवर हर्ड टू मैन टॉकिंग अबाउट एन आइडियल रेन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह ऑल्सो कोअर द लाइन ऑफ पंजाब एक्चुअली अटेंडेड अ पार्टी दरअसल मैंने एक पार्टी अटेंड की ऑर्गेनाइज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस जो कि मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक ही ऑर्गेनाइज की गई थी विद इन अट्टोन्स थ्रो मीन वेरी नीयर वेयर जहाँ पे आई ओवर हर्ड टू मैन मैंने दो लोगों को बात करते हुए सुना टॉकिंग अबाउट जो कि बात कर रहे थे एन आइडियल रेन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जो कि एक अच्छे राज्य की बात कर रहे थे आदर्श राज्य की, की बात कर रहे थे जो महाराजा रंजीत सिंह का था और जिसे द लाइन ऑफ पंजाब पे कहा जाता था दो आई हैड रेड रिगार्डिंग दिस टाइम इनवर इन दिस्ट्री बुक वेन आई वॉज अ नेट स्टैंडर्ड बट आई डोंट रिमेम्बर मच अबाउट इट हालांकि मैंने इस टाइम इंटरवल के बारे में पढ़ा था अपनी हिस्ट्री बुक में व्हेन आई वाज एन नेट स्टैंडर्ड जब मैं एट्थ क्लास में था बट आई डोंट रिमेंबर मच अबाउट इट लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं है सिंस द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री हैड नेवर बिन कप ऑफ टी आई रेड इट ओनली टू गेट पासिंग मार्क्स क्योंकि सिंस मीन्स बिकॉज क्योंकि जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट कभी भी मेरा फेवरेट नहीं हुआ मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा हैड नेवर बिन माई कप ऑफ टी मीन्स जिसमें मेरा इंटरेस्ट कभी नहीं बना आई रेड इट ओनली टू गेट पासिंग मार्क्स इसलिए मैंने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने के लिए ही पढ़ा था इसे द रीज़न वाई आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट इज द इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन ऑफ टू मैन एट द पार्टी कारण मैं क्यों इसके बारे में और जानना चाहता हूँ वो कारण है पार्टी में उन दो लोगों की इंटरेस्टिंग बातचीत आई केम टू नो दैट मुझे पता लगा कि रंजीत सिंह वॉज अ सेकुलर किंग एंड फॉलो द सिख पाथ रणजीत सिंह एक सेकुलर किंग था सेकुलर किंग मीन्स जो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता था और वो सिख पाथ को सिख रिलीजन को फॉलो करता था जिसमें सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट की जाती है His policies were based on respect for all communities. उसकी जितनी भी policies थी जितनी भी schemes थी rules and regulations थी वो सभी धर्मों की respect पर आधारित थी It sparked my interest in knowing more about this period. इसने मेरा interest और जगाया इस period के बारे में और जानने के लिए When it comes to the question how I can know more about it, देर आर मल्टीफेरियस वेज़ फॉर द सेम जब इस क्वेश्चन पर बात आती है मैं कैसे इसके बारे में और जान सकता हूँ देर आर मल्टीफेरियस वेज फॉर द सेम इसके लिए बहुत से तरीके हैं मैनी वेज मीन्स मल्टीफेरियस वेज ऑनलाइन रिसोर्स एज वेल एज समुड हेल्प इन इट ऑनलाइन रिसोर्सेज इंटरनेट पर और कुछ बुक्स इसमें हेल्प करेंगी उनमें से मुझे पता लगेगा मैं उनकी हेल्प लूँगा अपार्ट फ्रॉम इट इसके अलावा आई कैन ऑल्सो गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आई ग्रैंड फ़ादर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अपने ग्रैंड फादर से भी ले सकता हूँ सिंस ही है सफिशेंट नॉलेज रिगार्डिंग हिस्ट्री क्योंकि उनको हिस्ट्री की काफ़ी नॉलेज है ऑल इन ऑल दैट वुड बी वन ऑफ द नॉलेजेबल मोमेंट्स फॉर मी वैन आई वुड कम टू नो मोर अबाउट एन आइडियल रेन ऑफ ए नेबल रूलर सो ओवरऑल बात करूँ वो मेरे लिए नॉलेजेबल मोमेंट्स में से एक मोमेंट होगी जब मुझे एक योग्य शासक के आदर्श राज्य के बारे में और पता लगेगा सो दिस इज द दिसंपल आंसर इफ यू लाइक इट कैन लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच